से और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक म्यूट रखें प्लीज़, जब उनकी कोई बात करने की बारी हो तभी वो बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलें कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं सुरेश पुष्पाकर इंग्लैंड से इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज डॉली गुलेरिया जी, जो नाइटिंगेल ऑफ पंजाब सुरिंदर कौर जी की सुपुत्री हैं। कौन नहीं जानता सुरिंदर कौर जी को, उनकी ग्रैंड डॉटर वो भी हमारे साथ हैं, सुनैनी शर्मा जी भी। मैं आप दोनों का, सुनैनी शर्मा जी और डॉली गुलेरिया जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ मन की इस चौपाल पर। आज तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो डॉली जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो जो विरासत आप लेकर चली हैं, एक पंजाब की जो कोयल सुरिंदर कौर जी आपके मदर, वो कब ख्याल आया आपके मन में कि उस विरासत को आपको लेकर आगे चलना है, और क्या प्रेरणा थी उसके पीछे? सबसे पहले हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। सुरेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज सबके साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म पे। और ये मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसी माँ दी जिसको दुनिया भर में लोग बहुत प्यार से याद करते, और वो ऐसा हमारे को एक विरसा ऐसा हमारे को दे गई है। हमारा फोक कल्चर, वो गीत जो घर घर में सारी दुनिया में सुनाए सुनते हैं हम लोग, वो एक बहुत बड़ा दान दे गई है। मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी और ब्लेस्ड समझती हूँ। और मेरे पास ये संगीत तो मुझे लगता है रग रग में बचपन से ही होगा। बचपन से ही मुझे याद है मैं गाती नाचती फिरती थी घर में, पर ये कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली सिंगर बनूंगी। पर जब गुरुओं के पास बैठने का मौका मिला, माँ के घर में बड़े बड़े उस्ताद आते थे, उनको सुनने का मौका मिला, तो मुझे मन में इच्छा ये हमेशा होती थी कि मैं भी गाऊं। सो वो मौका कॉलेज में या स्कूल में मिलता था, और हर जगह जहाँ जाके गाती थी वहां से ट्रॉफीज भी ले आती थी। पर फिर भी ये नहीं सोचा कि सिंगर बनूंगी। सोचती ये थी कि फादर एजुकेशनिस्ट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी जी प्रोफेसर थे, वो साइकोलॉजी के और एमए इन पंजाबी लिटरेचर। तो उनके एजुकेशन और तालीम के नीचे बैठी ये सोचती थी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, और माँ को भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप के जैसे बहुत बहुत पढ़ी लिखी बनूं, और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आप तो डॉक्टर बनना चाह रहे थे, और आपने तो स्टडी भी, डॉक्टर हाँ जी, पढ़ाई भी उसमें की थी, वो और पढ़ाई जो अचानक थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई संगीत के साथ मिलके एक मिश्रण अलग सा ही बन गया। डॉक्टरी तो मेरी अपने अब बच्चों के साथ ही रह गई, तो मैं कहती हूँ शायद मैं इसी इसी कारण मैंने डॉक्टरी छोड़ी, प्रोफेशनली नहीं गई कि मैं अपने बच्चों का सही से ध्यान रख सकूं। और संगीत तो मेरे रग रग में बसा था। जब शादी हो गई तो कर्ण साहब ने इनकरेज किया बहुत कि तुम हर वक्त तो गाती रहती हो, या मैं बोलूं कि मेरा सिर खाती रहती हो गाने गा गा के, तो अच्छा है कि इसको बकायदा प्रोफेशनली अडॉप्ट करो। तो मैंने अपने उस्ताद खान साहब अब्दुल रहमान खान साहब से बकायदा तालीम ली, जी और गुरुओं से भी सीखी थी, पर ये खान साहब ने आके मेरे मन में ये इच्छा जरूर पैदा दोबारा से पैदा की कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊं और डॉली उनकी जी, तालीम के नीचे। आपका सबसे पहला गीत जो आपने अपने मदर गाया हुआ गीत गाया है, अच्छा
वो आपको कौन सा है, वो कौन याद होगा आपको? मेरा अपना गाया तो रेडियो पे मैंने जो गाया था वो था, पर माँ के साथ जो मैंने गाया वो था एच एम ई की एक एल्बम बनी थी, शगना दा, शगनों का गीत शादी के ऊपर थे, वो जी सारी शादी का सीन था जिसमें सारी ये तीन मामा की 5 बहनें थी असल में, उनमें से 4 बहनें थी और मैं थी साथ में, और वो एलपी बना था जिसमें सारे शादी के गीत गाए थे। माँ के साथ पहली बार रिकॉर्डिंग वो की, पर स्टेज के ऊपर मैं माँ के साथ जो गाई वो गीत जी था तारिया दी रानी ते बिल्लो मेरा नाम, तारिया दी रानी ते बिल्लो मेरा नाम, पैरी पाके चांजरा मैं नच दी फिरावे, मैं नच दी फिरा लोको नच दी फिरा, तारे आदि रानी तारे आदि रानी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत ही अभी शानदार प्यारा अब सा गीत था उसी वाकई। विरासत को, अब जैसे कि अच्छा आपने अपने बिल्कुल मदर के दौड़ी जी भी साथ, सही कह रहे थे पुष्पाकर जी कि कलाकार के बच्चे जो है ना वो बचपन से कलाकार होते हैं, उनके ब्लड के अंदर जो है ना वो कलाकार बन जी जाता है। वो ईश्वर नारायण ये नेचुरल मेरे बच्चे हैं, पत्रकार हैं, मैं तो ये कहता हूँ बचपन से ही पत्रकार हैं वो भी, तो ये होता है जी बहुत कि बहुत बड़ा जो है अच्छे। ना बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये भगवान जो है ना, ये गॉड गॉड गिफ्ट कुदरती दे देता है। ये जी कुदरती राजीव देन भाई, होती है, आगे कोई उसको इनकलकेट करे। और मैंने इसको प्रोफेशन में जब अडॉप्ट किया तो ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि माँ ऑलरेडी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी थी और उसको उसके नक्शे कदम पे चलना मेरे वास्ते तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर तो बहुत लोगों से बहुत प्यार मिला है, बहुत सारी दुनिया में माँ के सारे फैंस जो थे उन्होंने मेरे को हमेशा बेटी के रूप में देख के मुझे भी वैसे ही प्यार दिया। सो मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो माँ का प्यार मेरे साथ भी साझा किया। जी डॉली जी, जैसे कि आपने अपने मदर के साथ गीत गाए, अब वो एक मदर के साथ गीत गाना और फिर आपकी बेटी आपके साथ, वो अपनी मदर के साथ गीत गा रही हैं, जी, ऐसा क्या, कैसे महसूस करती हैं आप उस बहुत चीज़ को? बहुत अच्छा लगता है। सुनैनी ने पढ़ाई बहुत अच्छी की हुई है, ये भी संगीत में एज प्रोफेशन नहीं जाना चाहती थी, ये कभी तो मुझे लगता था ये प्रोफेसर बनेगी अंग्रेजी की, कभी मुझे लगता था ये फैशन डिजाइनर बनेगी, और दुनिया घूमी हुई थी ये मेरे साथ, 9-10 कंट्रीज शादी से पहले ही मेरे साथ घूम आई थी और दुनिया देखी हुई थी। पर जब शादी हो गई तब मुझे लगा कि अब ये ज्यादा म्यूजिक की तरफ इन्वॉल्व हो गई है, अब धीरे धीरे करके इसका ये हाल है कि ये मेरे से ज्यादा संगीत सुनती है और आके मुझे भी बताती है कि मामा आज ये सुनो आज ये देखो, और फिर हम दोनों मिलके वो गीत गाते हैं शेयर करते हैं जो हमने माँ से सुने और कई बड़े बड़े कलाकारों से सुने। ये जगजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फैन बचपन से थी और सारी जगजीत की गजलें गाया करती थी। हाँ सब नुसरत फतेह अली की फैन थी तो उनके उनके कलाम सारे लेके रहती थी, अलग ही डायरियां इसने बनाई हुई थी। सो मुझे बड़ी खुशी जी है कि अब ये अपने बच्चों को पाल पोस के काफी इसने बड़ा कर लिया है, अब इसके पास इतना टाइम है कि ये मेरे साथ शामिल हो जाए। सो अब दोनों मिलके जब जी गाते हैं तो बहुत मजा आता है। सुनैनी जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। आप जैसे म्यूजिक को आगे ये प्रमोट कर रही हैं, एक विरासत को, अपनी नानी माँ की विरासत को लेकर आप चल रही हैं, अब जिम्मेवारी निभा रही हैं। आपने एक अकेडमी को भी खोली है, नाइटिंगेल म्यूजिक अकेडमी, म्यूजिक तो वो आप बताएंगी थोड़ा उसके बारे में, आप किस तरह से प्रमोट कर रही हैं संगीत को और उसके द्वारा आप क्या-क्या कर रही हैं? जी, सुरेश जी, नाइटिंगेल म्यूजिक एकेडमी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, नानी माँ की सरपरस्ती में इसकी स्थापना हुई थी और तब वो चेयरपर्सन थी। फिर 2006 में उनके चले जाने के बाद मम्मा चेयरपर्सन है, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ।
सो हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, और क्योंकि हमारी ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, शेयर भी किया था, सो इसमें नाइटिंगेल म्यूजिक एकेडमी के द डोर्स आर ओपन टू एवरीवन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी. इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, हमारे पास बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब आते हैं. हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के लोग, मैं कहूंगी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में. ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बच्चे जो पीटीएसडी या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन के कारण अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते नॉर्मली, औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, या कुछ भी और. सी, बिकॉज म्यूजिक इज वेरी लिबरेटिंग. म्यूजिक, संगीत जो है वो आपको आपके जो एक दुनियावी आपका एक चल रहा है सारा दारोमदार, जी उससे आपको एकदम लिबरेट करके वो एक डिफरेंट लेवल पे ले जाता है. सो संगीत को एज अ थेरेप्यूटिक टूल, संगीत, म्यूजिक फॉर हीलिंग, ये सारी चीजें, क्योंकि हम एकेडमी में इनकी इतनी चर्चा करते हैं, और क्योंकि हमने भी ऐसा ही सीखा हुआ है, संगीत को एक इबादत के जैसे, एक सजदे के जैसे ही गुरुओं से सीखा हुआ है. सो जी कोशिश यही रहती है कि जो भी आए, बुजुर्ग आते हैं, कई सीनियर सिटीजन आते हैं हु आर रिब्यूक्ड फ्रॉम देयर होम्स, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनसे बात करना पसंद नहीं करते, पर वो अकेडमी में जब 1 घंटे की वर्कशॉप के लिए, कभी 4 days a week या 3 days a week ऐसे जब चलती है वर्कशॉप्स, तो घंटे के लिए आते हैं, 3 3 घंटे बैठ के जाते हैं. वो आप ये सोच सकते हैं कि उनको संगीत के साथ जुड़ के, या हमारे से बात करके, या अपने दिल का गुबार निकाल कर, उनको एक एक फीलिंग ऑफ पीस, ये जो एहसास है ये मिलता है. उसके लिए हमको लगता है कि इट हैज बीन वर्थ द एफर्ट. जो भी हम काम कर रहे हैं, इट इज वर्थ द एफर्ट. सो इट इज नॉट जी जस्ट अबाउट रनिंग अ कमर्शियल अकेडमी फॉर प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर रियलिटी शोज. दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड थ्रू म्यूजिक, जैसा हमने सुना है, जैसा हमने सीखा है. मोर ओवर, मैं जो समझ पा रहा हूँ सुनैनी जी, कि आप म्यूजिक थेरेपी दे रही हैं एक तरह से, जैसे आप कर रही हैं, आप हीलिंग कर रही हैं बिल्कुल जो बिल्कुल, म्यूजिक समाज है ही एक के। थेरेपी. जी, तो बिल्कुल आप सुरेश जी, वो क्योंकि जी अगर आप देखें, अगर आप पेंडेमिक का भी या स्टेटिस्टिकल डेटा भी देखें, तो 82% ऑफ द वर्ल्ड हैज टर्न टू म्यूजिक. आप सोचें कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने जी क्या किया. लोगों ने 82% दुनिया ने संगीत के साथ जुड़कर अपना टाइम जो था पीसफुली, चाहे वो मेडिटेशन में म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे वो अपने बच्चों के साथ म्यूजिक लगा के एरोबिक्स कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, घर पे जिम बनाकर डांस कर रहे हैं, या कई फ्रेंड्स हैं, कई नोन लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कथक क्लासेस ज्वाइन कर ली, जिन्होंने ओडिशी डांस आर्ट फॉर्म ज्वाइन कर लिया, जी कई लोगों ने और डांस फॉर्म्स ज्वाइन कर लिए. सो इट इज नॉट जस्ट म्यूजिक एज इन वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, एक्टिंग, थिएटर, ये सब चीजें जो है, ये सब इंटरकनेक्टेड है. सो इन इन जी सब चीजों के साथ जब दुनिया जुड़ी है, तो कोई तो मतलब होगा जुड़ने का. जी सुनैनी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि कला जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जी वो बिल्कुल, चाहे हम फाइन आर्ट्स की बात कर लें, चाहे हम विजुअल आर्ट्स की बात कर लें, परफॉर्मिंग की बात कर लें, या इवन आर्किटेक्ट को भी मैं कलाकार ही मानता हूँ। एक जो बिल्कुल आर्किटेक्ट बिल्कुल है, बिल्कुल वास्तु बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक बिल्कुल, ये लय। सारी अभी कुछ दिन कलाएं पहले हैं, ये मैं सारी, जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. तो और म्यूजिक तो, म्यूजिक इज डिवाइन, जी, और जो कला तो संगीत मैं के साथ सभी जुड़े सभी हैं, सभी को मैं मानता जी हूँ, कि बिल्कुल सभी कलाकारों को बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि कलाएं वो सारी, ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं, वो साधना में एक्चुअली बिल्कुल लीन हैं। अब जब बिल्कुल, कला करते हैं ये तो है ये साधना.
साधना के जी बगैर जो संगीत को प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। ये एक जी लगन, मेहनत और एक डीप डीप थॉट है जो तुम्हारे माइंड को बिल्कुल स्वच्छ कर देता है। सो जी मेरे फादर साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो हमेशा कहते होते थे कि जो लोग म्यूजिक से प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि वो गाते ही हों, सुनने वाले भी जो म्यूजिक को प्यार करते हैं वो बहुत अच्छे इंसान, उनका माइंड जो होता है वो साफ होता है, वो सच्चे जी सुच्चे लोग हैं। जी बिल्कुल, ये सो बिल्कुल सही बात है वरुण की। सुनैनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पहला गीत आपने अपने मदर डॉली जी के साथ गाया है वो कौन सा गीत है, वो सुनना चाहेंगे हमारे आपके दर्शकों। मामा के साथ तो मामा तो प्यार, जो जो एक्चुअली हमने 3 जनरेशंस, नानिमा भी थे जब हम टूर कर रहे थे यूके का, तो जी तब हमने मिलके, तब तो नानिमा के साथ तीनों जनरेशंस ने गाया था, पर अब मामा और मैं ऑलमोस्ट हर स्टेज पे, हर कॉन्सर्ट की शुरुआत भी इसी गीत से करते हैं, बिकॉज ये हमारी पर्सनल फैमिली का ही नहीं, बट आई थिंक पूरे पंजाब और हर उस माँ बेटी के रिश्ते की एक इंडोर्समेंट करता है। तो मात हाँ जी, तिया रल बैठिया निमाए, कोई कर दिया गलोड़िया, मावा ते तिया रल बैठिया निमाए, कोई कर दिया गलोड़िया, निकल कालमिया तिया क्यों जमिया निमाए, मावा ते तिया दी दोस्ती निमाए, कोई टूट दिए कैरां दे नाल, निकल का निसरिया तिया क्यों बिसरिया माए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये गाया गीत है माँ आपने। बेटी की बातें हैं सारी, क्या बातें करती हैं वो, क्या शेयर करती हैं, और इसके साथ एक ऐसी बॉन्ड बन जाती है कि जब स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आंखें भरी होती हैं, ऑडियंस की, सामने बैठे लोग आंखों में आंसू लेके हमारी तरफ देख रहे होते हैं, और कई बार गाया नहीं जाता, वो गले के बीच में एक नॉट बन जाती है और ये गाया जी नहीं जाता क्योंकि इसमें इमोशंस इतने स्ट्रांग जी डॉली जी, तो डॉली है। जी एक मैं आपसे जो बात जानना चाह रहा हूँ वो ये जी कि जैसे आपने अपने मदर के साथ गीत गाया, जी जब सुनैनी बहुत छोटी रही होंगी, इन्होंने आपके हाँ साथ जी ज्वाइन नहीं अभी किया था, जी तो आप जो फील करती थी बींग ए डॉटर, एक मदर के साथ आप गीत गा रही हैं, ऐसे अब सुनैनी जो हैं आपके साथ जी गीत गा रही हैं, अब वो नानी माँ के बिना जब आपके साथ गीत गा रही हैं, तो वो फीलिंग क्या, मतलब वो फीलिंग क्या, मतलब कुछ थोड़ा सा वो, हालांकि बयां करना बहुत मुश्किल है अभी, एक 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 मदर के साथ खुशी, गीत एक गाना और मंच एहसास जो शेयर है, करना, एक बेटी के साथ शेयर करना, एक वो क्या ये फर्क। एहसास जो है इसको लफ्जों में बयान करना जरूर थोड़ा मुश्किल है, पर वो जो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है और एक अंदर से एक खुशी की फीलिंग होती है कि मेरी मेरे विरसे को मेरी बेटी ने संभाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आगे सुनैनी की बेटी जो है वो भी हमारे साथ गाती है, बट मुझे पता है कि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, वो पता नहीं ये प्रोफेशन में जा पाएगी कि नहीं, संगीत उसके रग रग में भी है, बट इसको एडॉप्ट करना एज अ प्रोफेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा विरसा बड़ा स्ट्रांग हो गया है, नानी सुनैनी की नानी ने इतना मकाम हासिल किया दुनिया में, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, उसको आगे कैरी करना इज अ डिफिकल्ट जॉब, पर और सुरेश जब जी, नानिमा हर वक्त हमारे साथ हैं, ये एहसास जी मुझे ऐसे लगता है, कई बार जी मामा और मैं बिल्कुल जब स्टेज पे बैठे होते हैं तो कई बार ये एक
ऐसे यू नो यू आर सिटिंग ऑन द स्टेज, तो स्पॉटलाइट्स आपके ऊपर स्टेज पे आती हैं, तो कई बार ऐसे लगता है कई लाइटों के पीछे बैठी हैं, सुन रही हैं, देख रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, सो वो एक एहसास रहता है कि वो हैं कहीं ना कहीं, हैं क्योंकि बैठी हम हैं। गाते उसी के गीत हैं ज्यादा, जी उसके गाए हुए गीत गाती हूँ मैं। नए गीत गाती हूँ स्टेज के ऊपर, पर लोगों की फरमाइश जो होती है वो मामा के गीतों के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। नए गीत इतने नहीं सुनते लोग जितने पुराने गीतों के साथ जुड़े जी होते डॉक्टर हैं, जी तो वो जी ऐसे लगता है कि माँ कहीं यहाँ ही बैठी है, हमारे पास ही बैठी हुई तो चले, आपको सबसे अच्छा गीत कौन सा? अभी तो सभी सभी अच्छे लगते हैं माँ के द्वारा गाए हुए। माँ सबसे ज्यादा जो आप समझती के हैं, मतलब जिससे में सेटिस्फेक्शन मिली है आपको गाकर, वो कौन सा गीत है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे? पिक्चर का निमकता परीता नाल चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा, निमकता परीता नाल चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा, निये विकदा है वड़े बाजार चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा, के चरखा कुकर देंदा कुकर लगी कलेजे शावा, एक मेरा दिल पे धड़के दूजा कंगन छड़के चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा, माँ मेरी मैनू चरखा दिता विच चरखे दे मेखा, माँ मेरी मैनू चरखा दिता विच चरखे दे मेखा, माँ रानी मैनू याद जावे जद चरखे वल वेखा, चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा बई मावा चरखा चंदन दा, कि चरखा कुकर देंदा शावा कुकर लगी कलेजे शावा, एक मेरा दिल पे धड़के शावा दूजा कंगन छनके, चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा बई वावा चरखा चंदन दा। बहुत बात खूबसूरत, बहुत खूबसूरत यह है कि गीत और साजों के बहुत खूबसूरत। बगैर 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 किसी आप साज के गाना थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे तो नहीं, थोड़ी सी आप कमी फील होती है। जी नहीं, बिल्कुल हमें नहीं कमी महसूस हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। बिना साज के आप जो गीत गाए आपने, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ मोनिशा बोर्दोलोई जी जुड़ी हैं, ये भी जी एक फोक सिंगर हैं असम से। तो बहुत आपसे कुछ अच्छा, बहुत कुछ बढ़िया है इसका प्रेरणा लेना काम। चाहेंगी, आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहेंगी, वो जरूर क्या है मोनिशा जी? डेफिनेटली जरूर जरूर, बिल्कुल ही आई हूँ, और मेरा खुशकिस्मत गॉड ब्लेस। को ऐसे देख रही हूँ और सुन रही हूँ आप लोगों को बचपन से बहुत आप। अच्छा लगा मुझे। और मैं मुझे तो मालूम नहीं है पांचवी गाना, लेकिन मैं पुराना गाना मैं सुनती हूँ आप। संगीत संगीत में कोई लैंग्वेज कोई बार्स नहीं होती, कोई उस संगीत संगीत है, ये सात सुर सारी दुनिया में यही रहते हैं, चाहे अंग्रेजी गाने हो चाहे पंजाबी हो चाहे असमीज हो, सुर तो साथ ही रहते हैं। सुरेश जी मैम को एक मजे की बात मैं बताना चाहूंगी कि जी मेरे फादर क्योंकि आर्मी ऑफिसर रहे हैं, सर्विस में थे जब मैं स्कूल में थी, तो जी हमारी जो टीचर थी म्यूजिक टीचर, शी वाज अ साउथ इंडियन लेडी, बट वो एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट करती थी कि जिस रीजन के बच्चे भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आए हैं उनको उस रीजन के अलावा और स्टेट्स के गीतों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो जी मैं और मेरे छोटे ब्रदर ने हमने जो फर्स्ट स्कूल में गीत सीखा था, मे बी इन द फोर्थ ग्रेड, आई वाज प्रोबब्ली इन द फोर्थ ग्रेड, दैट वाज अ असमीज सॉन्ग, और अच्छा उसके बोल इफ आई एम नॉट सेइंग देम इन यू नो मेकिंग एनी मिस्टेक, सो ए मटी रे मुरु मोते माटी के सुमिलो
ए माटी ते जीवन शोभी आकी मोसीलो ए माटी रे मोरो मोते बहुत खुश मेरे सुरेश जी मेरे दो बेटे हैं दो साल छोटा है सुनैनी से एक और 5 साल छोटा है उससे दूसरा बेटा सो ये सारे मिलके ये ऐसे स्कूल के फंक्शंस के बीच में पार्टिसिपेट करते थे और अलग अलग रीजन्स के गाने गाने और सुनैनी और दिलप्रीत ने दोनों ने मिलके ये जब गाना दोनों इकट्ठे गाते बहुत अच्छा लगता है इतना ब्यूटीफुल रिदमिक सॉन्ग था और साथ में खास एसएमई स्टाइल का डांस करते थे ये तो ब्लेसिंग्स हैं जी आपके परिवार का ब्लेसिंग्स हैं ये डॉली जी में तो मोनिशा ये ठीक बोल रही थी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही थी सुनैनी ये वही वाले पंजाबी वो मेरा इतना अच्छा नहीं है मैं गाती हूँ इसके बाद ये गाना मुझे बहुत पसंद है प्लीज एक बार गा के सुनाइए आप कौन सा गीत चादर लट्ठे दी चादर की फरमाइश आ रही है ऑडियो ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं था समझ नहीं आई लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने आबो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया हाय लट्ठे दी चादर साडी कंधां दा मोछा मोड़िया होए साडी कंधां दा मोछा होशे ओ साडी कंधां दा मोछा मोड़िया निकी जही गल तो हिंज कर छोड़िया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने पावे दे बो कंड माया थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत यू वेलकम माय डियर ये मोनिशा जी ने ये कहा कि मुझे हालांकि पंजाबी समझ नहीं आती लेकिन ये गीत मैं बहुत सुनती हूँ ये गीत रिदमिक है और डांसिंग सॉन्ग है तो इस इसमें संगीत लवर्स के लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी जुबान है मोनिशा जी को मैं बताना चाहूंगी कि ये गीत एक्चुअली ओरिजिनली पोटोहार रीजन से है ये भाषा जो है ये पोटोहारी भाषा है और जब हम लाइन बोलते हैं लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आ बो सामने पावे दे बो कंड माइया आ बो सामने कि आप आए बैठे हमारे सामने और पावे दे बो कंड माने कि आप चाहे पीठ करके बैठे पर हमारे आसपास आके बैठ जाए बस ये चादर जो बिछाई है सो जो सुरेश जी जो मैं एथनिक म्यूजिक और एथनो म्यूजिकोलॉजी की रिसर्च के बारे में आपको बता रही थी उसमें यही सब है कि इन गीतों के व्हाट इज द रूट इनका ओरिजिन क्या है इनके लिरिक्स का मीनिंग क्या है इनकी हमारी प्रोनाउंसिएशन ट्रेडिशंस रीत रिवाजों के साथ रेलेवेंस क्या है सो ये सारी चीजों को इनके ऊपर काम चल रहा है और गॉड विलिंग ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने की मैं कोशिश में जुटी हुई जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सुरेश जी अगर लिरिक्स जो है वो सही तरीके से पेश ना किए जाएं तो वो गाने का मकसद ही खत्म हो जाता है क्योंकि राइटर जो लिख रहा है गीत उसकी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते अगर आप उसको सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे सो ये गाने को समझना और फिर उसकी कॉम्पोजिशन करना और फिर गाना ये एक प्रोसेस है आजकल थोड़ा सा इस बात में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा कि थोड़ी दुख की बात है कि जो नए गाने उनके बीच में गाने का मतलब चाहे कुछ हो या ना हो रिदम होनी चाहिए और ढेर सारे म्यूजिशियंस होने चाहिए एक शोर गुल होना चाहिए और उसके साथ लोग डांस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बोल तो समझ ही नहीं आ रहे होते कि क्या है मुझे याद नहीं आता कि लेटेस्ट गानों के बीच में कौन सा गाना ऐसा है जो दिल को छुआ हो और वो हमको बहुत याद आता हो कि हम बार 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 गाएं और ये लट्ठे दी चादर तो पता नहीं माँ ने 70 साल पहले गाया था और हम आज भी उसको गाते हैं हर स्टेज पे इसकी फरमाइश होती
जी डॉली जी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पुराने जो गीत गाए गए हैं, जी महान संगीतकार उसमें रहे हैं, गीतकार तो उन्होंने अपने बोल दिए, लेकिन जो गायक कलाकार रहे हैं वो शब्दों को, जी उसकी भावों को, मतलब जो वो हाँ कहना चाह रहे हैं, वो बोलने का उनका अंदाज ही ऐसा रहता था कि अगर हम दूर की बिल्कुल बात कर रहे हैं तो वो दूर को ऐसे ही कहेंगे दूर, कि वो आपको हाँ महसूस बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल भले ही आपको शब्द ना समझ में आए मगर वो आपको लगेगा कि बिल्कुल कुछ मतलब दूरी की बात हो रही है। इतना तो बहुत ध्यान रखते थे इन चीज़ों का। हालांकि अब ये जो आपने बात कही है कि अब वो क्या उसका मतलब भी नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा तो दो बोल मैं सावन के गीत के एक सुनाती हूँ सुरेश जी, जी जी डॉली जो जी शायद मैंने रेडियो पे गाए होंगे 50 साल पहले, उसके दो बोल याद आ अरे गए बहुत सावन सौभाग्य की के। बात है जो आज हम वो सुन रहे हैं इतने सालों के बाद आप कह रहे हैं। जी किन मिन पैन पुहारा, किन मिन पैन पुहारा, बदला ने रंग लाया वे वेख जुदाइया पौन वाले प्यार दा मौसम आया वे। किन मिन पैन पुहारा, किन मिन पैन पुहारा, वरे बादे सावन आया, वरे बादे सावन आया, किन मिन पैन पुहारा। बारिश का सीन है तो बोल कैसे राइटर ने लिखे हैं कि किन जी, मिन ऐसे ही लगते हैं जैसे बारिश की बूंदें गिर जैसे रही हैं, बारिश की बूंदें पर। हाँ बूंदें जी गिर बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल जी तो जी उसकी जी कॉम्पोजिशन फिर उन्हीं बोलों के लिहाज से बनी और जी तभी वो गाने की एक ब्यूटी बाहर निकली उस कॉम्पोजिशन की। अगर बहुत गाने खूबसूरत, बहुत को खूबसूरत बोल समझ के गाया जाए तो उसका लुत्फ कुछ और ही है। जी। हमारे सुरेश जी दर्शक कोई जुड़े कोई हैं। फरमाइशें, हाँ जी 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 मैं फरमाइशें आप कह वही रहे थे जी जी हम हाँ हमारे कोई दर्शक हैं जतिन जी जी जी। जतिन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? चले शायद वो सर जी आई एम हैविंग डिनर, मैं गिव मी 5 मिनट्स ओनली, आई विल बी देयर। जी आपकी तरफ से हाथ उठाया गया था तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हाँ जी जी इनू कुछ कह इनो रही जी, है। इनो जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी मैं वो एक गाना सुनना चाह रही हूँ जो मेरे को थोड़ी हल्की सी लाइनिंग याद है उसकी, वो कर छतरी छा मैं छावे बैनिया, हाँ वो वाला सॉन्ग। सुए बिछीरे वालिया मैं कहनिया, सुए बिछीरे वालिया मैं कहनिया, कर छतरी दी छां, कर छतरी दी छां मैं छावे बैनिया, कर छतरी दी छां मैं छावे बैनिया, सुए बिछीरे वालिया दोला लड़िया, सुए बिछीरे वालिया दोला लड़िया, मेला वेखण आईया करमा वालड़िया, मेला वेखण आईया करमा वालड़िया। ये खास बहुत शादी सुंदर, के गीतों हाँ में से एक हाँ गीत है बहुत बार सुना तो जाता है ये सॉन्ग, बहुत बार। सुए वे चीरे वालिया का मतलब आप आर यू अवेयर ऑफ द मीनिंग? दोनों नो सुए वे चीरे रेड लाल लाल चीरा लाल पगड़ी दस्तार पगड़ी पहने हुए जो आप हैं तो उसको दूल्हे को एड्रेस एड्रेस किया करके है। बोला जा रहा है, क्योंकि दूल्हे ओके ने सुर्ख लाल दस्तार पहनी हुई है। सो सुए वे चीरे वाले मैं कहनिया, कर छतरी दी छां छावे मतलब बैनिया। तेरी छाओं के नीचे मैं बैठती हाँ हूँ, तो या दैट इज द ब्यूटी ऑफ द हाँ शादियों सॉन्ग। में ही बहुत सुना जाता है बहुत ज्यादा जी बहुत खूबसूरत, जी बहुत बहुत खूबसूरत जी है। बहुत बढ़िया तो राजीव थैंक भाई यू। हाँ आप कुछ कहना जी चाह रहे हैं? आपका माइक म्यूटेड है, अनम्यूट कर लें। पुष्पाकर जी, मुझे याद आ रहा है कि सुरेंद्र जी का एक शायद वहां पर भी पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत ज्यादा धूम मची थी, और जी
जी एक बार आवाज आ रही है मुझे लग रहा है जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसी और कौन कौन सी कंट्री हैं जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे पंजाबी जो गीत है उनको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और कौन सा ऐसा गाना जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और कंट्रीज के अंदर? राजीव, जहां जहां पंजाबी बैठे हैं सारी दुनिया में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मस्कट, मैं कौन कौन सा देश बोलूं, सब देशों के बीच में जहां जहां इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड में भी, हाँ वहां वहां के गीत, इंग्लैंड में पुष्पा गांधी बैठे हैं, भरा पड़ा है, सारे सारे लोग ये गीत सुनते हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि जहां ये शोज हमने किए वहां पे हम जाके जब ये गीत सुनाते हैं तो वो लोग, ऑडियंस हमारे साथ गाती है, क्योंकि उनको गीत सारे इतने याद हो गए, क्योंकि ये हमारा विरसा है। जैसे सुनैनी योग गीत है, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पया, जिन्ना रमादी मैं सार ना जाना, ओनी रही वे मैनू मुड़ना पया, ओनी रही वे मैनू मुड़ना पया। सौरे पिंड दिया लम्मिया वाटा, बड़ा पवाड़ा पै गया, सौरे पिंड दिया लम्मिया वाटा, बड़ा पवाड़ा पै गया, यक्का ते पाड़े कोई ना कीता, माया पैदल ले गया है, माया पैदल ले गया, जुती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पया। बहुत खूबसूरत। और मैं देख रहा हूँ राजीव भाई आपके पीछे वो जब वो गीत गा रही हैं डॉली जी और सुनैनी जी, वो दर्शक जो हैं वो उनको क्योंकि पहचान रहे हैं ना वो गीत को। थैंक यू थैंक यू। आपके माइक म्यूट, आपका माइक म्यूटेड है राजीव भाई। मैं बताऊं पुष्पागर जी कि मेरे साथ जो है दोनों मित्र हैं और दोनों के दोनों जो हैं पंजाबी हैं, और जैसे ही उन्होंने डॉली जी को देखा तो उन्होंने कहा नहीं इनकी मदर का भी बहुत अच्छे वो गाने थे, ये गाना आया है हम लोग सुनते हैं परिवार के अंदर सुनते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है कि जब भी कोई घर के अंदर फंक्शन होता है तो वो है कि आपके गाने जो है वहाँ आज भी पसंद किए जा रहे हैं। थैंक यू जी। मैंने जी आपसे एक ये था सवाल कि क्या जैसे रीमिक्स का जमाना चल रहा है इस समय पे, तो आपने कोई अपनी आपने जो है कोई नानी जी के गीत जो है उनको रीमिक्स नए स्टाइल में राजीव जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और ये मैं बताना भी चाहूंगी कि कई लोगों ने मुझे स्टेज पर भी ये बात बोली कि आप क्योंकि इस जनरेशन में इस टाइम में है जहाँ रीमिक्स का इतना दौर चल रहा है, सो कभी आपने सोचा ऐसे? सो कई लोगों ने तो मुझे यहाँ तक भी बोला कि आप अपना सोलो ट्रैक बनाए मैम, हम आपका गाना लॉन्च करेंगे। सो मैंने कहा अच्छा, तो ऐसे लगा कि कोई शर्त है आपके मन में, तो मैंने कहा बताएं। कहते बस आप थोड़ा वेट लूज कर लें, थोड़ा बालों में से कुछ कलर वालर लगा के और कुछ थोड़ा ऐसे डांस वांस करके स्टेज पे, तो आप गीत आप गाएं, हम उसमें पूरा पीछे ऑर्केस्ट्रेशन और म्यूजिक सब रैप थोड़ा डाल के और सब कुछ ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। सो मैं तो उनको देखकर तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा आई विश मेरी रूह ऐसी होती कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर पाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें जो हैं ये इतनी शॉर्ट लिव्ड हैं और इनकी लाइफ शेल्फ लाइफ इतनी छोटी है कि इन चीजों को करके एटलीस्ट मैं तो रात को आराम से नहीं सो पाऊंगी। सो ये चीजें विरसे में, क्योंकि हमको उस्तादों से गुरुओं से ये सुनने को और ये सीखने को मिला
कि आप जब एक फनकार बनते हैं और स्टेज पे जब आप बैठते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या चीज लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल. सो आप कैसा इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहते हैं, आप कैसे फनकार बनना चाहते हैं, आप एक बाजारी, दरबारी या निरंकारी, आप किस टाइप का फनकार बनना चाहते हैं? सो ये एक फैसला जो होता है ये एक इंडिविजुअल का फैसला रहता है, इसमें कोई फैमिली का प्रेशर या ऐसी बात नहीं आती. मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी हट्टी कट्टी हूँ कि मुझे कोई ऐसे. मेरा मानना थोड़ा अलग है, आपने देखा भी होगा टाइम पाकिस्तानी गायक की बात करें या भारत के कई गायक कलाकार जो है वो सेहत से बहुत अच्छे हैं, और इसलिए लगता है कि कहीं भी व्यक्ति को ना कम्प्रोमाइज करना चाहिए. गायकी जो है वो आवाज नहीं देखी जाती. तो राजीव, हम घर में सुनैनी के भाई इसको हमेशा छेड़ते रहते हैं, इसको कहते हैं अगर तू बाल वाल खोल ले तो आबिदा परवीन बेगम साहिबा की शागिर्द लगेगी, तो बन सकती है वही. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कहीं पर भी वेट का कोई ऐसा वो नहीं है, मगर मेरा पर्सनल तो यही कहना है कि आप जो है रीमिक्स निकाले और रीमिक्स को जो है ना आज साइड से ढूंढें, क्योंकि कल्चर को हम कहीं भी खत्म ना होने दें, मेरा मानना यह है. राजीव जी के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का फ्यूजन हो और मॉडर्न गायकी और ट्रेडिशनल गायकी का एक हैप्पी एमालगमेशन हो, तो उससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस आज की जनरेशन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट, क्योंकि आपके परिवार के साथ है. सबसे बड़ी बात है कि आपका परिवार निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट ही कई गुना बढ़ जाएगा. राजीव जी, ऐसे हुआ कि माँ और मेरी मासी प्रकाश कौर ने 1953 में जो पहला एल्बम HMV के साथ किया उसमें सारे टिपिकल लोक गीत थे. उसके बाद वो हर 10 साल के बाद वो गाना रीमिक्स, हर गाने को रीमिक्स किया गया, अलग अलग लोगों ने, सिंगर्स ने गाया. तो मैंने उन गीतों के बीच में से एक गाने को पिकअप करके तो अपने 8 ट्रैक के एक एल्बम के बीच में से एक गाना वो लिया और वो गाने से मेरी पहचान बनी. वो गाना मैं आपको सुनाती हूँ. अमृतसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू करे ना आकड़ वे मैं सेंदी ना, छना छनक तेरी बोधी मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे हाथ, जे तू रखना है रख, जे तू कटना है कट, मैं तेरे नाल वसिया के होर कोई वसे भी ना, मैं तेरे नाल कटिया के होर कोई कटे भी ना. ओ अमृतसरे दिया बड़िया, अमृतसरे दिया बड़िया वे मैं खांदी ना, तू करे ना अड़िया वे मैं सेंदी ना, तू करे ना अड़िया वे मैं सेंदी ना, छना छनक तेरी बोधी मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे हाथ, जे तू रखना है रख, जे तू कटना है कट, मैयो तेरे नाल वसिया के होर कोई वसे भी ना, मैयो तेरे नाल कटिया के होर कोई कटे भी ना. ये गीत जो था ये ढोलक के साथ गाती थी मेरी मासी और मेरी माँ जी, ये ढोलक के साथ गाती थी, पर मैंने इसको जब गाया 50 years later वो उसको मैंने नए म्यूजिक के साथ गाया और वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, उसका वीडियो भी बहुत खूबसूरत बना बॉम्बे में और मेरी पहचान उससे बनी. और अब सुनैनी की पहचान के लिए कैसे ही रीमिक्स और पर एक एक राजीव जी, एक आपको बात एक आपको बताऊं, इस क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक आल्सो, कि जब फोक म्यूजिक को एक रिसोर्स सेंटर, एक लाइब्रेरी के जैसे मानकर जब बॉलीवुड ये गीत जाता है ना, तो वहां जाकर डिस्टॉर्शन जब होती है तब बहुत दुख लगता है कि उन्होंने बना दिया छना छनक तेरा पांदूंगा नक, हाँ? मैं कबूतर फसिया के होर कोई फसे भी ना. अब ये फिल्म में म्यूजिक उन्होंने गाना डाल दिया, ना गायक ने देखा ना लिखने वाले ने देखा, बगैर समझे हुए, बगैर समझे हुए उसको गा लिया और न जाने कितने उसपे उनको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइक्स
मिले. सो रीमिक्स को भी करने के लिए एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए. जी 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 डोले जी बिल्कुल सहमत हैं. गानों का माँ के गानों का तो कोई अंत ही नहीं है. वो सुनाते काला डोरिया काला डोरिया कुंडे न लड़े अयो इसकी छोटा देवरा छोटा देवरा पबी नल लड़े आई छोटे देवरा तेरी दूर बलाई वे ना लड़ सोनिया ना लड़ सोनिया तेरी इक पर जाई वे छन्ना चूरी दा छन्ना चूरी दा ना मक्खन आंदा नी ले जा पत्ता है मेरा बोला खांदा नी काला डोरिया ओ काला डोरिया कुंडे नल लड़े आई ओए कि छोटा देवरा पाबी नल लड़े आई ओए. बिल्कुल देखिए आपको बता दें डॉली जी अभी हमारे पास जो है जवान है पुलिस के वो भी इस गाने का जो है आनंद ले रहे हैं. दिल चुरा के ले गई सोना सोना दिल मेरा सोना 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 दिल मेरा सोना. ये इसी गाने का रिमिक्स बना था. इस गाने को पॉपुलराइज किया गया. जी 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 डॉली जी ये एक अच्छा रिमिक्स था. जो जवान है हमारे वैष्णो देवी माता पर वो भी इस आनंद ले रहे हैं. हाँ जी वाह 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 जय माता दी जय माता दी. और सारे जो सर्विसेज से जुड़े हैं उनको तो कोटि कोटि प्रणाम. क्योंकि हम तो सर्विसेज फैमिली को बिलोंग करते हैं. मेरे फादर रिटायर्ड कर्नल हैं आर्मी से. सो सर्विसेज वालों को सबको सल्यूट टू यू ऑल ऑफ यू. जेड़ा मां दी शरण विच आया सच्चे मन नाल उसनू ते आया ते ओदा बेड़ा पार लग्या ओ ओदा बेड़ा पार लग्या. जेड़ा मां दी शरण विच आया सच्चे मन नाल उसनू ते आया ते ओदा बेड़ा पार लग्या ओ ओदा बेड़ा पार लग्या. जय माता दी जय माता दी जय माता दी. बिल्कुल जो माँ के दरबार पे आ गया उसका बेड़ा पार लग जाता है इसमें दोराई नहीं है. और सबसे बड़ी बात है माँ के दरबार पे आने के बाद जो कष्ट होते हैं व्यक्ति के जीवन के वो भी बहुत दूर हो जाते हैं ये देखने में. बिल्कुल बिल्कुल जी राजीव जी ये सौभाग्य की बात है हम सभी के कि आज आपके द्वारा सही सही एक बहाना ही होता है ये हम लाइव देख पा रहे हैं दर्शन कर पा रहे हैं माता के भवन की. तो ये हमारा सौभाग्य तो राजीव जी का थैंक्स करेंगे. धन्यवाद. मैं तो यही है कि देखिए सबके आप हमारे सबके नसीब में था आज का कि माँ के दरबार से हम सीधे लाइव करेंगे और यहीं से जो है सबसे बात होगी. कितनी बड़ी बात है कि माँ के दरबार से मैं यहीं पर हूँ भवन पे ही रुका हुआ हूँ और उसके बाद आप सभी से बात हो रही है. तो आप डायरेक्ट जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन माता की जो है आशीर्वाद सभी को मिल रहा है हमारे. जी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन और माता के दरबार की बात हुई तो मुझे एकदम ध्यान आया कि डॉली जी आपने डिवोशनल सॉन्ग्स भी बहुत से गाए हैं. कोई उनमें से एक हम मैं गुरबानी से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ पर गुरबानी गाने के लिए थोड़ा माहौल बदलना पड़ता है. तो जी जी शब्दों के लिए थोड़ा सा सुरेश मेरे को दो मिनट दीजिए. जी जी माँ माँ की बात कर रहे थे राजीव जी तो मेरे जहन में उस वक्त बात ये चल रही थी कि मेरे लिए तो आप सोचे कि मेरे लिए साक्षात माँ एक तो माँ साथ बैठी हैं नानी माँ का आशीर्वाद हमेशा सर पे है फिर आप वैष्णो माँ के दरबार में इस वक्त उपस्थित हैं साथ में माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद
और इतना प्यार और इतना वरदान मुझे लगता है। ये सारी चीजें उस वक्त आप जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये घूम रहा था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, गुरबानी से तुमने मेरे जी दो जी उधर से इधर वाली आई। तू दरियाओ, तू दरियाओ, दाना बीना, तू दरियाओ, दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मछली कैसे अंत लहा, तू दरियाओ, दाना बीना, तू दरियाओ, दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मछली कैसे अंत लहा। शब्द के लिए थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो जाता है सुरेश जी, आई एम सॉरी सिर ढक के ना गाओ तो गुरबानी का वो जो रिस्पेक्ट चाहिए वाणी के लिए वो बनती नहीं, गीतों का माहौल कुछ और बन जाता जी, वो हम समझ सकते हैं। तो मैं दो बोल जी डोली जी दो बल्ले बल्ले की बोलियां के सावन के साथ रिलेटेड उससे खत्म करूंगी आज की इस ब्यूटीफुल महफिल को। बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 बैठोर पंजाब बन दी, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले 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 बहुत खूबसूरत, सुन में बागा सुन में बगीचा सुन में बाग दे या माली, सुन में बागा सुन में बगीचा सुन में बाग दे या माली, इक नानू फुल दो दो देना है, इक नानू रखना है खाली, रूप पंजाब बनदा दिन चढ़ दे दी लाली, रूप पंजाब बनदा दिन चढ़ दे दी लाली, रूप पंजाब बनदा सावन आया दिन गिद्दे दे, सावन आया दिन गिद्दे दे, सबे सहेलियां आईया, गज्जे बदल चमके बिजली मोरा पहला पाया, गज्जे बदल चमके बिजली मोरा पहला पाया, भिज गई रू मित्रा सौन कटा चढ़ आईया, भिज गई रू मित्रा सौन कटा चढ़ आईया, भिज गई रू मित्रा सौन कटा चढ़ आईया, भिज गई रू मित्रा, मैं अयो बोल बोला बोला ना कोई होर वे, सौन दा महीना बागा विच बोलन मोर वे, सौन दा महीना बागा विच बोलन मोर वे, आसानी सौरे जाना गड्डी नू खाली तोर दे, आसानी सौरे जाना गड्डी नू खाली तोर दे। थैंक यू, बहुत बहुत खूबसूरत डॉली जी एंड सुनैनी जी, आपने आज के इस कार्यक्रम में जैसे कि हम सावन की बात कर रहे हैं, सावन में वो पानी की वर्षा की जो फुहार है वैसे ही आपने गीतों को एक जैसे अपनी आवाज़ में एक वो फुहार जैसे बरसात कर दी आज अपने गीतों से। सच में ये तो गीतों की लड़ी इतनी लंबी है सुरेश जी, कि माँ के गीतों की कलेक्शन तो इतनी लंबी चौड़ी है
कि उसको गाते रहे तो कई दिन निकल जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है सिलेक्ट करना कि क्या गाएं और क्या ना गाएं, ऐसे खूबसूरत पंजाबी के लोक गीत हैं हमारे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आज सबसे मिलके और आपके साथ ये डायलॉग शेयर करके, सब भाइयों के साथ, सब प्यारी प्यारी बहनों के साथ, इनू के साथ, मोनिशा के साथ। और मोनिशा आप कुछ सुनाते क्यों नहीं, कुछ अच्छा सा एक लोकगीत सुनाओ आप भी, ये तो बहुत प्यारा गाती है। एक भी गाती हूँ ये नाउ नाउ जो चलाते हैं उसके यहाँ मुनार बोरो पाखी रे तो घेमूर बोरो पाखी देशे पाखी विदेश गेलो मुके दिया फाकी रे सुनार बोरो तोर पाखी रे सुनार पाखी रे तोर हेंगुल बोरोन पाखी देशेर पाखी विदेश गेलो मुके दिया फाकी रे सुनार बोरो पाखी रे अरे सुनार बोरो तोर पाखी रे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। ये मोनिशा ने डॉली जी आपसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये आपकी जो आपने बिल्कुल मैम ऑलवेज माय ब्लेसिंग्स टू यू माय डियर। सुंदर गाने वाले तो मैं हमेशा उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ और भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स चाहिए, अच्छा अच्छा गाते रहो जी। हमारे चलते चलते डॉली जी हम पूछ लेते हैं हमारे दर्शकों में जो साथ जुड़े हैं, जतिन, शशि, कांता जी, अशोक कुमार जी, अगर आप कोई गीत है ऐसा जो डॉली जी ने आज के महफिल में नहीं सुनाया और आप सुनना चाह रहे थे। सुरेश जी सबसे पहले मैं सबको एक तो डॉली जी को सत श्री अकाल कहूंगा, है ना, सॉरी कर रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट जी। जतिन जी कहें आप अपनी बात। मेरे को डॉली जी के सारे जो भी उन्होंने सॉन्ग गाए मुझे बहुत अच्छे लगे, तो हम बचपन से सुनते आए हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है उनका वो प्लीज हमारे लिए गाएं वो। बिल्कुल डॉली जी, क्योंकि समापन जो है एक अच्छे गाने से अगर होती है और जो माइंड में जो है ना, जो मैं समझ पा रहा हूँ जतिन ये कहना चाह रहे हैं डॉली जी, जो सबसे फेवरेट जो सॉन्ग था सुनैनी जी के नानी माँ का जी, उनका खुद का, बड़ा मुश्किल होता है वैसे जी सर, जी सर। ये मेरा है, मेरा फेवरेट भी नहीं, मेरा फेवरेटेस्ट है वो गीत नानी माँ का, तो मैं तो मम्मा से उसकी फरमाइश करूंगी जी। मैं डॉली, हाँ जी 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 प्लीज, हाँ जी, मैं डॉली जी एक चीज और कहना चाह रहा था, हाँ जी, आप अभी भी वैसी दिखती हैं। आप बेटी के साथ बैठी हैं, आप दोनों बहनें लग रही हैं। बिल्कुल, इसमें दुआएं नहीं है। प्लीज 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 आप सिंग करें, है ना। जतिन थैंक यू वेरी मच, वैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं नहीं, हम तो एज से बूढ़े होते हैं, दिल से कोई बूढ़ा नहीं होता मैडम। कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता जी। नाखियाँ पावा किवें कजला अक
अखियां च तू वसदा इन अखियां च पावां किवें कजलावे अखियां च तू वसदा हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मूवे हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मूवे भुलिया ते ना तेरा अखियां च तू वे अखियां च तू वे जदो हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा इना अखियां च पावां किवें कजलावे अखियां च तू वसदा हाय अखियां च तू वसदा वे अखियां च तू वसदा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत शानदार थैंक यू थैंक यू हमारे साथ राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैं यही कहूंगा कि वाकई एक लास्ट का जो गीत होता है ना वो पूरा माइंड में रहता है तो मुझे लगता है कि आज हमारे सभी जो दर्शक हैं और सहयोगी हैं साथी हैं आज उनकी रात बहुत अच्छी बीतेगी जी नैनी जी और डॉली जी यादगार आज जो है शाम मना हम लोगों की जी राजीव जी आज का दिन सच में ब्लेस्ड है ये 7th August जो है ये हमेशा याद इतिहास में इसका नाम ये दिन याद रहेगा एक इस वजह से कि आज गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक्स में भारत को जो मिला है और दूसरा जो है हमारे साथ आज डॉली जी और सुनैनी जी एक साथ जुड़े हैं एक कार्यक्रम में थैंक यू सो मच आज मैं भी जुड़ा हुआ हूँ ये देखिए जी और तो ये बहुत बड़ी बात है जी जी मगर ये बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माता के दरबार के दर्शन कराए हम सबको लाइव आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई बिल्कुल 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 राजीव जी हमारी तरफ से भी माथा टेक देना सर बिल्कुल बिल्कुल मैं दरबार में ही हूँ आप सीधे बात में कर सकते हैं हम अपने मन की बात जो है माता से बोल सकते हैं ये सीधे जो है मैं इस समय दरबार पे ही रुका हूँ हम तो जय माता जी कह सकते हैं सर बस उसी से माता प्रसन्न हो जाती है शुक्रिया सर यही तो बाण है एक जो माँ को सबसे ज्यादा पसंद है जी उसके बच्चे जो है किस तरह से याद करते हैं शुक्रिया सर शुक्रिया जी धन्यवाद तो जी राजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जतिन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शशि कांता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े रहे पूरे कार्यक्रम में उनका भी धन्यवाद मोनिशा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी असम से बहुत बड़ी खुद में भी गायिका हैं बहुत बहुत धन्यवाद और इनू प्राशर जी जुड़ी रही हमारे साथ और डॉली जी एक और है पुष्पाकर जी एक चीज और मैं आज कहूंगा कि आज मेरी अनुपस्थिति में जो है ना वेदिका जो 14 साल की मेरी बिटिया है आज वो पूरा वहां से जो है कंट्रोल किए हुए दिल्ली से जी 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 मैं डॉली जी का वीडियो मैं देख नहीं पा रहा हूँ शायद डिस्कनेक्ट हो गया है उनका जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सभी का पुष्पाकर जी नमस्कार मैं डॉली जी और सुनैनी शर्मा जी को अब वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को इतना रंगीन और खूबसूरत अपने गीतों द्वारा बनाने के लिए